गाइस वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। और मैं कहता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे और अपनी जिंदगी को अच्छा गुजार रहे हैं। यार आज हम ना चूज़े से सेल करने जा रहे हैं। पहले हमने आपको मंडी वगैरह दिखाई थी, तो आज मैंने कहा चले यार चूज़े सेल कर जाते हैं। अभी तो हम इनकी करने लगे हैं पैकिंग। बिलाल भाई को बुलाया हमने और जिसने बाय करने हमसे वो भी आ रहा है, तो हमने कहा यार इसको पैक कर देते हैं और आपको दिखाते हैं। और यार ये मेरे पास रैंडम पड़े हुए थे कुछ पीसेस, तो मैंने कहा चलो यार इसको सेल करता हूँ। दक्षिण में काम हुई भी, आपको पता है कि पेट्रोल का रेट क्या बढ़ रहा है और यूनिवर्सिटी वगैरह भी जाना होता है। तो चले बताता हूँ किस तरह करते हैं। बिलाल निकालो ना यार, दिखा कोई निकाल चाहिए। ये देखें जी, ये हमारे हैं जी रैंडम, वाइट में भी हैं और ब्लैक में भी हैं। अभी हम इनको पैक करते हैं, डब्बे में डालते हैं। डब्बा ले आए हम फहीम भाई से। और जी ये जी हमारा रैंडम वाइट में, ये गया जी डब्बे में। ओ जा चल चल सारा। ये जी हम ले आए हैं फहीम भाई की दुकान से, डब्बा लाए हैं। ये भी वाइट डालते हैं सारे पेयर पहले। ये भी जी है, ये टोटल 8 पेयर हैं जो देने हैं भाई को, भाई से वादा हुआ है। तो हमने इधर हाँ चल अंदर, इसका नहीं दिल अंदर जाने का, चला अंदर हाथ धुल ले जाता। इनको खाने की पड़ी भी अभी भी। ये गया अंदर, ये अब जाएंगे ब्लैक वाले अंदर, वाइट और ब्लैक। ये ब्लैक है जी अंदर गया। ये भी एक है, ये भी है जी एक, हाँ चल ना अंदर। और जी ये हमारी मुल्क की मैशियत की तरह बिल्कुल नंगा बर्ड है, नंगा पीस है, इसको भी डाल देते हैं अंदर। ये जी और ये जी डब्बे में पैक कर दिए हमने सारे, ये आपस में जोड़ के बैठ गए। इसको हम बंद करते हैं डब्बे को और थोड़े सुराख वगैरह कर लेंगे ताकि ना क्या कहते हैं उसे, इनको हवा भी है सांस भी है। फिर निकलते हैं भाई की तरफ, उनकी तरफ जिधर उन्होंने बुलाया हमें, हमने अड्डे तक जाना है, फिर वहाँ जा कर बात करते हैं। सुराख मारने लगे हैं, पैकिंग शैकिंग कर ली हमने इनकी। ये इनको सांस वगैरह आ जाए, सांस आएगा तो ये जिंदा रहेंगे, हमारा भी सांस आएगा। ओए नीचे ना जा, थोड़े ऊपर साइड पर थोड़े से मार देना, इस साइड पर तो इस साइड सुराख 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 मारेंगे। और अभी हम निकलने लगे हैं घर से, भाई तक पहुँचेंगे उन तक और उनको उनका पार्सल देते हैं और अपनी पेमेंट उठाएंगे, फिर आके बात करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। बिलाल भाई की कंप्लीट नहीं हुए सुराख अभी तक, कह रहे हैं यार सुराख करके जेके जाने हैं। इसी कलम से सुराख किए हैं बिलाल भाई ने, कलम हर जगह यूज़ होता। निकलने लगे हैं घर से, तो अभी उन दोस्त तक पहुँचते हैं और फिर देखते हैं क्या हिसाब है। अभी फिलहाल भाई देखने लगे मुझे, हाँ अब नज़र आ रहा हूँ, पहले नज़र नहीं आ रहा मैं, अब नज़र आ रहा हूँ सबको। बाइक से स्टार्ट कर लिया हमने, अभी हम निकलते हैं उस साइड को। ये जी पार्सल पकड़ा है, पार्सल मैं पकड़ूंगा क्योंकि पीछे व्लॉग भी बनाना है। और जी ये अब मैं बाइक खिला के जा रहा हूँ भाई की तरफ, उन्हीं की तरफ जिन्होंने बुलाया हमें। और रोड मारी बन रहे थे और रोड अच्छे बने हुए हैं और रास्ते में जगह छोड़ी दिया, मेरे ख्याल में हमें इस साइड होना चाहिए बचने के लिए। ओए फंस के दोबारा चढ़ते हैं और यार उस साइड जाना है हमने, और मेरे ख्याल में पहले गियर में जाएगी हमारी 70। और अभी हम फिलहाल कोशिश कर रहे हैं कि उस साइड चले जाएं, और ये हमें भी लूप होल नहीं मिल रहा। और जी ये मिल गया लूप होल, यहीं से चढ़ेंगे आगे, सीधी चढ़ गए हम। अभी हम नए रोड पे हैं बिल्कुल, और भाई तक पहुँच रहे हैं, उन्होंने बोला यार हम वहाँ पहुँचे हुए हैं, तो अभी हम वहाँ पहुँचते हैं, फिर देखते हैं क्या हिसाब होता है। अभी बिलाल भाई का उतरना मिनट की हुई थी कि यार आओ देखना है, बंदे लेके आना है सबको, अच्छा अच्छा चल रहे हैं। वैसे भी यार हमारे टेक्सला के रोड माशाल्लाह नए बन रहे हैं, नए बनवा रहे हैं हम, बहुत ही मुश्किल से बन रहे हैं। आपने मेरे पुराने व्लॉग में देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि जो रोड है टेक्सला का वो बनना बहुत मुश्किल है, और लोग यहाँ पे जॉगिंग कर रहे हैं। फिलहाल अभी एक लड़का देखा मैंने भाग रहा था, तो चलिए वहाँ पर जाके आपसे बात होती है जी। अभी हम अपना पुल क्रॉस कर रहे हैं, ये पुल शुल टूटा हुआ है, बिलाल भाई दिखा सकें तो पुल टूटा हुआ है, वैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ फिलहाल, और ये काम ज़ोरों शोर से चल रहा है। तो यार ये ख़त्म हो, हमारी भी ज़िंदगी आसान हो, यूनिवर्सिटी जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, सुबह सुबह निकलना और फिर यूनिवर्सिटी पहुंचना सबसे बड़ा अजाब है। तो फिलहाल तो अभी हम जा रहे हैं, अभी हम अड्डे तक पहुंच गए हैं, वो बाइक यार संजानी क्रॉस कर लिया उन्होंने, तो वहाँ तक पहुंच के फिर हम उनको कॉल करते हैं कि यार आप किधर हो, हम ये अड्डे तक पहुँच गए तो वहाँ पर आपको बात करते हैं। वीडियो बाद भाई का दिखा ना, ये भाई हैं हमारे जी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सेल कर दिए हमने, अब हम घर की तरफ जाएंगे और रास्ते में कुछ देखते हैं यार, बिलाल भाई हमारे साथ आए हैं, फिर ऐसा तो नहीं होता कुछ ना खिलाएं बिलाल भाई के पैसों से। चूज़े सेल करके जी अभी बिलाल भाई के साथ हम आए हैं, यहाँ बिरयानी खाने आए हैं, बिरयानी शिरयानी खाते हैं, घर की तरफ चलते हैं फिर देखते हैं। और जी पहुँच गए यहाँ पर, बिरयानी का ऑर्डर दे दिया है, आवाज़ आ रही होगी, इतनी बिरयानी डालनी है जितने से आवाज़ निकालनी है।
और बिरयानी खा के फिर आपसे मुलाकात होती है और फिर घर की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह रात का ये समय था कि बिरयानी बेवा हो गई है, इसमें बोटे छोटी नहीं है, सादा बिरयानी ला दिया। बिलाल भाई अब ये खाएंगे, बिलाल भाई खा लेंगे। बिलाल भाई बिरयानी तो नहीं छोड़ते, खाएंगे साथ ही ना। बिलाल भाई खा, बिलाल भाई स्टार्ट करें ना, मोबाइल की जान छोड़ेगा। पहली चम्मच आपकी, बाकी हमारी। नहीं नहीं आप खाएं, मैं देखता हूँ जी। ये बिलाल भाई ने पहली चम्मच ली और अगली इसको लेने नहीं देनी, हमने खानी है। बिरयानी हैज बीन फिनिश, आखिरी बाइट भी इसी ने लिया। अभी पेमेंट देने की बारी आ गई है, यहाँ से चाट लेंगे। इतने का हमने सेल नहीं की जितने की हम चाट खाएंगे यहाँ पे। फिलहाल अभी चाट चाट लेते हैं, घर चलते हैं, घर जाके देखते हैं कितने बचे हैं। और जी बिलाल भाई गली में आ गए हैं क्योंकि इनके घर कुछ देना था। फिलहाल तो मेरी लाइट चल रही है, चल रही है। तो अभी यहाँ से हम निकलेंगे। पॉपकॉर्न भूल गए यार, हमने चार चार ले ली, सब कुछ ले लिया, पॉपकॉर्न नहीं लिए, तो पॉपकॉर्न भूल गए। पॉपकॉर्न लेने दोबारा जा रहे हैं अब। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सेल आउट करके हम लास्ट पे फहीम भाई की दुकान पे आए हैं। यहाँ से फहीम भाई से कुछ लेंगे क्योंकि हमें मिला नहीं है यार वहाँ से, क्या कहते हैं, उसे पॉपकॉर्न नहीं मिले हमें। यहाँ सारे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं यार, काफ़ी अच्छे लोग हैं ये भी, मैं इनसे मिलता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।